नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। एसडीएम सदर प्रशांत नागर से आगामी बलदेव छठ राधा अष्टमी को लेकर विशेष वार्ता की। आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ जनपद के वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता ने। एसडीएम साहब, आगामी बलदेव छठ और राधा अष्टमी आ रही है, उसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या क्या तैयारियां हैं? जो हमारे बाहर से श्रद्धालु आते हैं उसको लेकर जहां एक और आस्था का जनसैलाब उमड़ता है राधा अष्टमी पर, क्या क्या इंतजाम हैं, सुरक्षा व्यवस्था के और इंतजाम क्या क्या हैं? आगामी त्योहारों के मद्देनजर सभी तरह की तैयारियां की जा रही हैं। जो राधा अष्टमी का दिन है उस दिन बरसाना के राधा रानी के मंदिर में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, सबसे ज़्यादा श्रद्धालु वहीं आते हैं जी। वहाँ पर सभी मैजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है, सभी मैजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी तैनात की गई है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा खुद ही नेतृत्व किया जा रहा है। उनके स्तर से सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग की जा रही है, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और सूचना विभाग द्वारा सूचना भी दी जा रही है, पुलिस के द्वारा व्यवस्था की जा रही है कि कहाँ कहाँ पर ट्रैफिक का कंजेशन रहेगी, हो सकती है वहाँ पर कैसे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा, कैसे ट्रैफिक को मैनेज किया जाएगा। तो सभी स्तर से और सभी एंगल को देखते हुए तैयारियाँ की जा रही है जी। और जो ऐसा कोई भी गंभीर हादसा ना हो, अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जो गंभीर हादसा हुआ था, इसको लेकर मतलब क्या सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम रहेंगे इस बार? जो अभी एक हिसाब से दुर्घटना हुई थी बांके बिहारी में, उसको मद्देनजर रखते हुए सारी तैयारियों पर ध्यान दिया जा रहा है और ज़्यादा सतर्कता से इस बार द्वारा प्रशासन के द्वारा सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि राधा रानी मंदिर में कितनी जगह है, कितनी नहीं है, कितने श्रद्धालु आ सकते हैं, कितने नहीं आ सकते हैं, उन सबको संज्ञान में लेते हुए ही सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इतना समय दिया इसके लिए। हम बता दें, हमारे साथ रहे प्रशांत नागर एसडीएम सदर साहब, जिन्होंने बताया सारी व्यवस्थाओं को अमली जामा पहना दिया गया है और अंतिम रूप दे दिया जाएगा 3 सितंबर को। 4 सितंबर की राधा अष्टमी है, उसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। मथुरा से आरपीएस समाचार ब्यूरो रिपोर्ट, कृष्णा गुप्ता। खबरों में अब तक बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।